तो भाई लोग यहाँ पे है अपना पहला दिन रैंक सिमुलेटर के अंदर। भाई चलते हैं अंदर। और यार यहाँ पे ना पूरा सारा कुछ खत्म हुआ पड़ा है, मतलब पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग टूटी पड़ी है, देख लो। तो अपना पहला टास्क देखते हैं सबसे पहले। तो भाई लोग यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर का लेटर मिला है, जिसमें उन्होंने ये कह रखा है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरा टाइल बिजनेस उसे संभाल लो। यहाँ भाई अपने सोने का हिसाब किताब, तो जैसे रात वात होगी तो यहाँ पे सो के हम टाइम स्किप कर सकते हैं, नहीं तो भाई यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ये है भाई अपने दादाजी की पुरानी गैराज, और यार देख लो बिल्कुल यार सारे में गंदा सा हुआ पड़ा है, मतलब देखो ये स्क्रैप स्क्रैप पड़े हैं सब। भाई लोग हमारे दादाजी ने कहा था कि मेरे घर में ऊपर एक अटैची रखी है, एक संदूक थी, और भाई उसके अंदर काफी सारा सामान है, कुछ पैसे हैं और बंदूक है और कुछ गोली है जानवरों से लड़ने उड़ने के लिए। तो भाई लोग हमने वो सब कलेक्ट कर लिया, और वहां पे भी हमें एक लेटर मिला था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक जानवर है जिन्हें मार के तुम बेच भी सकते हो, नहीं तो भाई वो तुम्हारा शिकार कर लेंगे, इसलिए बंदूक हमेशा अपने साथ रखना गोली से भरी। तो भाई अब हमने गाड़ी भी असेंबल कर ली और चलते हैं सीधा जनरल स्टोर पे कुछ सामान वामान लेने। और भाई सबसे पहले आ गए गैस स्टेशन पे, क्योंकि भैया इसमें पेट्रोल बहुत कम था गाड़ी में, तो ज्यादा सा रिफिल करवा लें। यहाँ पे सुबह कभी कभी इतने पैसे मिले हैं कि जो मतलब शुरुआती काम है जैसे पेट्रोल वेट्रोल भरवाना, जानवर वानवर लाना, वही ढंग से हो सके, फिर थोड़े बहुत बचेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा भाई ने थोड़ा सा शिकार भी कर लिया था। और यहाँ पे आगे भाई हम प्रॉपर्टी वाले के पास, ये भाई हमें एक किताब देगा, और भाई उसके अंदर क्या है कि जो भी हम बनाएंगे ना आगे जाके, वो भाई इस किताब से बनेगा, मतलब उसमें देख के, और भाई फिर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। देख लो भाई कुछ ऐसी किताब है। और यार हमारे पे यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि हम सिर्फ अपने इलाके में बना सकते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है हमारे ग्रैंडफादर ने खरीदी हुई है, बस उसी के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इधर उधर कुछ नहीं बना सकते। और भाई लोग हम फिर चले गए थे, उसके साइड में गाड़ी वाला था, उसके पास चले गए थे, उसने कहा था कि अपनी गाड़ी में मतलब रेडियो वीडियो लगवा लो, कलर चेंज करवाना तो वो करवा लो। तो भाई अभी तुम्हारा भाई इस गाड़ी को हरे से पूरी ब्लैक करवाने वाला है, और रेडियो भी लगवा लिए इसमें, जिससे कि भाई वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह समाचार वाचार मिलते रहे। और भाई यहाँ आ गए हम बैस्ट बर्गर वाले के, ये भाई जो भी हमारा सामान होगा ना, अगर मान लो ये बर्गर की दुकान है जैसे इसकी, तो भाई अगर मान लो इसके पास कोई चीज़ कम होगी और डिमांड उसकी ज़्यादा होगी, तो भाई हमारे से वही पर्टिकुलर चीज़ महंगी ले लेगा। जैसे मान लो क्या कहते हैं दूध है, फिर पनीर है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और भाई है नहीं इसके पास इतना, भाई हमारे से ज्यादा प्राइसेस पे ले लेगा। यहाँ आ गए हार्डवेयर स्टोर पे, यहाँ पे भाई जितनी भी लकड़ी और भाई मेटल और भाई बिल्डिंग मटेरियल और जितने भी औजार भी हैं, जैसे कि लकड़ी काटने की आरा मशीन वगैरह, वो सब चीज मिलेंगी, घास काटने की मशीन, आरा मशीन, हर चीज। और भाई यहाँ आ गए थे हम जनरल स्टोर पे, यहाँ पे भाई मुर्गे और भाई जितने भी जानवर वानवर वो मिलेंगे। खैर भी हमने दो मुर्गी लिए हैं एज पर मिशन, जैसा कि कहा गया था, और साथ ही साथ एक बास्केट भी लिया है जिसके अंदर एग्स आएंगे। तो भाई यहाँ पे तुम्हारे भाई ने अभी रात हो गई है और पूरी बाउंड्री बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे, कि भाई पता लग जाए कि अपना इलाका कितना है। तो भाई जितने जितने बाउंड्री बनेगी उसके अंदर अंदर ही मैं कंस्ट्रक्शन करनी है। तो मैंने सोचा पहले भाई भाई की बाउंड्री बना लूँ, फिर प्लान करेंगे कितना कितना कहाँ कहाँ क्या क्या बनाना है, पता लगे कम से कम अपने इलाका कितना है। और मेरे हिसाब से तो काफी बड़ा इलाका आ रहा है अपने इलाके में। तो भाई लोग जैसे कि अब सुबह हो गई है, रात को बाउंड्री बनाते बनाते काफी टाइम हो गया था, अभी पूरी नहीं बनी। और सबसे पहले तो भाई यहाँ से अनाज उठा देते हैं मुर्गियों को खिलाने के लिए, तो भाई भूखी की मर जाएंगे वो। तो अनाज रखा हुआ था मैं थोड़ा सा एक बोरी, बाकी फिर हमें लानी पड़ेगा आगे से। उसे भाई यहीं दे देते हैं उन्हें खिलाने के लिए, फिर भाई उनके लिए रहने के लिए घर भी बनाएंगे। और सबसे पहले तो थोड़े से पेड़ वेड़ काट दूँ, मतलब भाई ये पूरे इलाके में पेड़ उग रहा है भाई, घास उग गया, जंगल हुआ पड़ा है, तो भाई ऐसे में तो कुछ घर बनने का नहीं, तो यहाँ दबा के डिफोरेस्टेशन करनी पड़ेगी। और देखो ये गलत बात नहीं है डिफोरेस्टेशन, इसके अंदर असली में बहुत गलत बात है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई गलत बात नहीं, गेम ही तो है, असल जिंदगी थोड़ी है। तो इसे दबा के डिफोरेस्टेशन होने वाली है यहाँ पे। और भाई अनाज भी गिर दिया, अब आ जाओ भाई खा पी लो, नहीं तो मर जाओगे। और यहाँ पे भाई जितना भी पुराना जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रही है पुरानी, जैसे कि ये बना हुआ पता नहीं क्या किस चीज़ के लिए स्टोरेज हाउस टाइप है शायद से, इन सबको भाई तोड़ना है। और भाई साहब यार रात होगी भाई तोड़ते लेकिन यूँ ही टूटने में आ रहा। और चलो फाइनली इसे भी तोड़ ही देते हैं, ये दादाजी का घर हमने तोड़ दिया भाई, पूरा कंस्ट्रक्शन तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा सही में, ये लास्ट में घर बचा था ये भाई तोड़ दिया, अब यहाँ पे हमें नया घर बनाना है, इसकी जगह पूरा मतलब अपना नया शुरू करना है। और हमें इसके थोड़े से पैसे मिले हैं तोड़ने के, ये अच्छी बात है कि भाई यहाँ बुलडोजर से तोड़ाई देनी पड़ती मिलती है उल्टी। लेकिन भाई अभी तुम्हारा भाई घर नहीं बनाने वाला, सबसे पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, अपना भाई वहीं सोने का सही है, घर तो भाई लास्ट में बनता है फिर। तो भाई यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस रेंज के नाम से, तो देख लो सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है, दबा दो उस लाल वाले बटन को सब्सक्राइब गेमर हार्ट बीट जल्दी से, क्योंकि कुछ और भी है बढ़िया सा जो आने वाला है, ठीक है, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। भाई यहाँ पे हमने घर तोड़ दिया था, लेकिन वो पूरा इसी स्टोरेज हाउस सा रहा था, तो भाई उसे भी तोड़ दिया। और यहाँ पे जो ग्रेन वेन पड़े थे इन्हें भाई सबको हटा के यहाँ पे साफ सफाई सी कर दे। वैसे यहाँ पे एक चीज सही है, यहाँ पे जितने जगह में पुरानी कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे ना पेड़ उग रहा है ना घास। और भाई ये था पुराना बार्न हाउस, मतलब जहाँ पे गाय वाय रहती थी दादाजी की पुराने टाइम पे, भाई वो पूरा तोड़ के
ढा दिया, गिरा दिया, और पैसे तो तुम देख ही सकते हो स्क्रीन पे। तो भाई तोड़फोड़ मचाने के बाद ये बस गैराज छोड़ी हुई अभी, क्योंकि भाई ये थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक सी हालत में थी, बाकी सब तो टूटा फूटा पड़ा था। तो भाई यार ये फेंस का लगाने का काम भाई पूरा हो गया, और यहाँ पे आप देख लो काफी बड़ा इलाका आ रहा है अपने अंडर में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, खूब आराम से काफी बड़ा बनाएंगे इस जगह को। और लकड़ी वकड़ी भाई भरी जा रही है, और भाई मैं अभी सारे के सारे पेड़ काटने फोकस कर रहा हूँ, जितना भी अपना इलाका है ना उसके अंदर के भाई जितने भी पेड़ है सबको काट काट के लकड़ी बना के उनकी वुड लॉग्स बनते हैं, फिर भाई वुड लॉग्स से बनते हैं प्लैंक, प्लैंक लगते हैं भाई अपने कंस्ट्रक्शन में। तो भाई दो फायदे हो रहे हैं अपने, एक तो सफाई हो रही है, एक भाई हमें प्लैंक्स मिल रहे हैं जिससे कि हम नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और भाई घास वास भी साफ करने के लिए लोन मोबाइल लाना पड़ेगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं लाने वाला, वो जब कुछ ज्यादा बड़ा बनाएंगे जब लाऊंगा। और भाई यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक मूवी ग्रो के रहने के लिए जगह बना दिया, लेकिन यहाँ पे भाई खाना वाना देना भूल गया था मैं, पूरा कंस्ट्रक्शन काम में लगा था, तो भाई दोनों माए जा चुके हैं। और अब यार और कुछ तो कर नहीं सकते इनका, इन्हें बेच देंगे और जो मतलब इनसे पैसा मिलेगा उससे भाई सुबह लाने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा टाइम जी जाते हैं, और मतलब पैसे भी उनसे ज्यादा मिलते हैं यार, इनसे कम फायदा होता है उनसे ज्यादा फायदा होता है। तो भाई स्वाति मिशन था इसे मैंने खरीद लिए थे, लेसनेस की वजह से ये बचे नहीं। तो भाई यहाँ पे तीनों मुगले बेच के जा चुके हैं, और यहाँ पे बना दिया भाई सूरों के लिए इलाका, यहाँ पे मतलब इस जगह के अंदर जो चकोला सा है इसके अंदर सूअर रहेंगे भाई, बाद में इनके लिए बड़ा भी बनाएंगे जैसे कि तुमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, लेकिन अभी यही बना मेरे पे, क्योंकि भाई ज्यादा बड़ा बना रहे हैं फिर भाई रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, और वो मैं कर नहीं सकता, जगह भी ज्यादा चाहिए, प्लानिंग भी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए अभी भाई छोटा सा इलाका बनाया है। और भाई उन्हें मुगलों को बेचने में मेरे पे इतना पैसा तो आ गया था कि मैं दो सूअर और भाई दो आटे की बोरी ले आऊँ, मतलब गेहूँ की बोरी, यहाँ पे वीट गिरता है भाई इनके खाने में कोई भी जानवर हो, तो दो गेहूँ की बोरी और भाई दो सूअर मैं ले आऊँ, इतना तो भाई पैसा आ गया था मेरे पे। यहाँ पे गैराज बनाया काम शुरू कर दिया, पहले मैं सोचा था कि भाई इतनी पीछे बनाऊंगा गैराज और इसका ये लेवल रखूंगा ऊंचा वाला, लेकिन भाई ये हो नहीं पाया, तो इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए तुम्हारे भाई ने इसे लेवल को थोड़ा सा नीचा कर दिया, और इस वाले लेवल पे बनाएंगे भाई गैराज। और ये इतनी बड़ी बनी है, काफी लंबी है, और अभी समय पहले तो लगाते हैं इसमें वुड प्लैंक्स। और भाई लोग यहाँ पे पूरे जो फ्लोर है उसके ऊपर लकड़ी वकड़ी लगा के एकदम सेट कर दिया, देखो भाई पूरा एकदम चिकना हो रहा है ना, सपाट सा, तो भाई इसीलिए लगाया जाता है फ्लोर, नहीं तो भाई नीचे अगर डायरेक्ट मतलब दीवार वीवार अगर खड़ी भी कर देते तो काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ सा आता, पत्थर भी आते, लेकिन भाई इसमें सब कवर हो गया, एकदम सेट सा हो गया, यहाँ पे घास वास सब कवर हो गई। तो भाई यहाँ पे तुम्हारे भाई ने दोनों भाई की दीवार भी खड़ी कर दी है, मतलब ये भी ब्लूप्रिंट है, अभी डायरेक्ट दीवार तो खड़ी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत पे लकड़ी भी लग गई, लेकिन बाकी ब्लूप्रिंट है, बस इस पे लकड़ी लगाई रह गई है। भाई अब तुम्हारे भाई ने पिछवाली साइड को कवर करने के लिए इस पे वो भी लगा दिया, मतलब पिछवाली दीवार का ब्लूप्रिंट है। और भाई ये बस थोड़ी सी सामने की साइड ना बस एक वो रह रहा है, इसके लिए जो मेन एंट्रेंस वाला है ना ये गेट सा, इसे तोड़ना पड़ेगा जब यहाँ पे एक दीवार लगेगी, नहीं तो भाई मुश्किल करी थी लगने में, ये अड़ रहा था बीच में। और भाई पूरा पीछे का सेट हो गया, बस सामने से इसका गेट वेट बनाना है। और भाई लोग गेट बनाने के लिए यहाँ पे सामने की तरफ ये थोड़ी सी छत सी लगा दी, और इस तरह का अपना गेट बन गया दो मंजिल का, मतलब इसके अंदर ट्रक वर्क कुछ भी घुसा दो आराम से, दो बाई दो का बन गया। भाई यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ वेड़ काट के सफाई वफाई कर लेते हैं, भाई इसमें वुड प्लैंक्स की काफी ज्यादा जरूरत है, और मैं सारे वुड प्लैंक्स अभी तो भाई खरीदने नहीं वाला, सारे इसी से निकालने वाला हूँ, यहाँ पे पेड़ वेड़ जंगल सा हो रहा है। और भाई यहाँ पे सामने की साइड में तुम्हारे भाई ने एक रैंप सी बना दी, मतलब इसके दूसरी साइड तो रैंप है और यहाँ पे एक उठी हुई फ्लोर सी है, मतलब एक तरह से सड़क मान लो इसे अंदर घूमने के लिए। और भाई अब तुम्हें पता लगेगा कि मैं ये क्यों कह रहा था कि सूअर से इतना ज्यादा फायदा है। भाई अगर हम मतलब छोटा सा सूअर लाते हैं एक, और भाई उसे एक बोरी अनाज खिलाते हैं तो इतना बड़ा बन जाता है, भाई काफी ज्यादा पैसा बिक जाता है, जैसे $300 का आता है एक, तो भाई वो बिक जाता है $450 से $600, जैसे कि तुम भाई देख भी सकते हो। और इसकी जगह भाई वो ज्यादा सूअर लेके उन्हें भाई मल्टीप्लाई करते रहो ऐसी कर करके, और आराम से काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, थोड़े दिन में काफी बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाता है। और भाई ब्रीडिंग करते हैं वो अलग, ब्रीडिंग में क्या होता है भाई, मतलब जैसे एक सूअर है भाई उससे मतलब अगर मेल और फीमेल को हम साथ में रख दें आसपास, तो भाई वो और बहुत सारे छोटे छोटे सूअर दे देते हैं, फिर वो भाई और भी दे देते हैं, ऐसे ब्रीड करते रहते हैं, भाई डबल डबल फायदा हो जाता है सूअर से आराम से, मुर्गों से इतना नहीं होता। भाई यार आगे जाके ना एक बार मतलब गेम में इतनी ज्यादा ब्रीडिंग कर ली थी इन्होंने कि भाई पूरा गेम अटकने लग गया था, मुझे ना वहाँ पे सफाई करनी मुश्किल हो गई थी सूअर वाले इलाके में, इतनी ज्यादा ब्रीडिंग कर दी थी तो यार तुम सोच सकते हो कितना फायदे का सौदा है सूअरों का। और भाई लोग पिछली बार तो बस इतना पैसा बचा था मुगलों को बेच के एक सूअर आ सके, लेकिन भाई इस बार तुम्हारा भाई दो सूअर ले आया उसे बेच के, उसे बस एक आटे की बोरी खिलाई थी $30 की, भाई $300 का वो खुद था, भाई $600 से ऊपर का फायदा हो गया। और भाई लोग अब वो दोनों ही बड़े हो गए और फुल एकदम पूरे साइज में आ गए, और यार इन्हें जाके बेच देते हैं। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने थोड़ा बहुत शिकार भी कर लिया था तो यार उसे ही बेच देते हैं। तुम्हारा भाई मतलब वैसे पर्टिकुलर शिकार पे जाके शिकार नहीं कर रहा, जैसे कोई जानवर यहाँ कूदता फांदा आ जाए तो भाई उसे तो पेल दूँ, लेकिन यह है कि पर्टिकुलर शिकार पे नहीं जा रहा मैं। आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मजा आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना,
मिलेंगे अगली वीडियो में, और एक बार नाइट व्यू देखो यहाँ का कितना सही है। भाई साहब नाइट लग के अलग ही मजा आ रहा है।